तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने और इस फिल्म में नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के सिंघम यानी कि सुपरस्टार अजय देवगन साहब और उनके साथ हैं अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, रितेश देशमुख। साथ ही साथ फिल्म में अरशद वारसी और जावेद जाफरी के अलावा संजय मिश्रा, जोनी लीवर और बोमन ईरानी नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें हम फिल्म टोटल धमाल के बारे में तो फिल्म एकदम काफ़ी शानदार बनी और फिल्म में फुल ऑन कॉमेडी और फिल्म सभी लोगों को पसंद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, टोटल धमाल फिल्म एकदम क्लीन कॉमेडी फिल्म बनी है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ आराम से बैठ के देख सकते हैं। इस फिल्म में कुछ भी वल्गर सीन वगैरह नहीं दिखाए हैं, इसी की वजह से दोस्तों जो टोटल धमाल को ऑडियंस मिल रही है पूरी की पूरी फैमिली ऑडियंस है और ये फिल्म सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। इसी की वजह से दोस्तों टोटल धमाल ने बिना किसी त्यौहार पर रिलीज होने के बावजूद भी अपने पहले दिन काफ़ी अच्छी कमाई की और दूसरे दिन भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी रफ्तार बनाए हुए हैं। अगर बात करें दोस्तों हम टोटल धमाल के बजट के बारे में तो इस फिल्म का बजट है लगभग 95 करोड़ रुपए। वही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और मार्केटिंग का खर्चा था 20 करोड़, यानी टोटल धमाल का टोटल बजट हो जाता है लगभग 115 करोड़ रुपए। अगर दोस्तों बात करें टोटल धमाल के दो दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 21 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली और इसी के साथ ये फिल्म नॉन हॉलीडे पे 2019 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन चुकी है। वही दोस्तों अगर बात करें फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दूसरे दिन भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से देखे जाए तो टोटल धमाल अपने पहले दिन से ज़्यादा दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती नजर आ रही है। अगर बात करें इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के बारे में तो दोस्तों दूसरे दिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 11.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग मिल चुकी है और जो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग है उस हिसाब से देखते हुए लग रहा है कि ये फिल्म अपने दूसरे दिन शायद पहले दिन से भी ज़्यादा कमाई कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म के सुबह वाले शो सभी हाउसफुल जा रहे हैं और नाइट वाले शो में भी ये फिल्म पूरी तरह से बुक हो चुकी है। तो जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके हिसाब से टोटल धमाल अपने दूसरे दिन लगभग 22 करोड़ का कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों टोटल धमाल का जो दो दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो रहा है 43 करोड़ रुपये। वहीं अगर बात करें फिल्म के ओवरसीज यानी विदेशी कमाई के बारे में तो फिल्म ने अपने दो दिनों में विदेश में यानी ओवरसीज में लगभग 18 करोड़ की कमाई कर ली है। इसी के साथ दोस्तों टोटल धमाल का जो दो दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 61 करोड़ रुपए। आपको बता दें दोस्तों टोटल धमाल को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 130 करोड़ की कमाई करनी होगी, लेकिन जिस हिसाब से फिल्म ने दो दिनों में इतना शानदार कारोबार किया है उसे देखते हुए लग रहा है कि शायद टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 200 करोड़ का कारोबार बड़ी आसानी से कर जाएगी। हालांकि दोस्तों ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाती है। वैसे दोस्तों अगर आप टोटल धमाल फिल्म देख के आए तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा टोटल धमाल बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाएगी, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ या 250 करोड़। अपनी राय कमेंट करना ना भूलें और बॉलीवुड, साउथ और हॉलीवुड की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।